फिक्स था प्रियंका चोपड़ा का मिस वर्ल्ड बनना। पहले से ही तय कर दी गई थी प्रियंका की जीत। प्रतियोगिता में आयोजकों ने प्रियंका को दिया था स्पेशल ट्रीटमेंट। प्रियंका को मिले फेवर से खफा थी मिस वर्ल्ड कंपटीशन की हर एक कंटेस्टेंट। जी हाँ, जीत का इतिहास रचने और मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के 22 साल बाद प्रियंका चोपड़ा की जीत पर उठ रहे हैं सवाल। साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पूरे देश को फख्र महसूस करवाया था, लेकिन आज 22 सालों के बाद प्रियंका की जीत पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका की जीत पहले से ही फिक्स थी, इसे तय किया गया था, और ये सारे खुलासे किए हैं मिस बारबाडोस लीलानी मैकोने ने, वो भी इस पेजेंट का हिस्सा रह चुकी है। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों मुंबई आई हुई है। पूरे 3 साल बाद प्रियंका ने वतन वापसी की है, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है, लेकिन प्रियंका की खुशियों के रंग में भंग पड़ गया है। पूर्व मिस बारबाडोस लीलानी मैकोने ने प्रियंका के मिस वर्ल्ड जीत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लीलानी के इन आरोपों को सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। दरअसल हाल ही में लीलानी अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ फैन से ब्यूटी पेजेंट यानी कि सौंदर्य प्रतियोगिता के फिक्स होने पर चर्चा कर रही हैं। उसी दौरान पूर्व मिस बारबाडोस ने साल 2000 में हुए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान अपना एक्सपीरियंस साझा किया और बताया कि प्रियंका की जीत पहले से ही फिक्स थी। अपने शो के दौरान लीलानी कहती है कि वो भी इस दौर से गुजरी है। तब वो मिस बारबाडोस थी और उस साल शो के स्पॉन्सर्स ने प्रियंका चोपड़ा की जीत को फिक्स किया था। लीलानी ने खुलासा करते हुए कहा कि पूरे कंपटीशन के दौरान प्रियंका को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। कंपटीशन में प्रियंका को मिले स्पेशल ट्रीटमेंट पर बोलते हुए लीलानी ने बताया कि अपने पैची स्किन टोन को छुपाने के लिए प्रियंका ने स्विम सूट प्रतियोगिता के दौरान सैरोंग पहना था। शो आयोजकों ने इसकी परमिशन सिर्फ प्रियंका को ही दी थी। लीलानी आगे कहती है कि प्रियंका के गाउन बेहतर बने थे, वो ही एकमात्र कंटेस्टेंट थी जिन्होंने सारंग पहनना था, जबकि बाकियों ने नहीं। उन्हें अपने कमरे में खाना मिलता था। उस कंपटीशन में कोई भी प्रियंका चोपड़ा को पसंद नहीं करता था। उनको लेकर ऑर्गेनाइजर हमेशा बाकी लड़कियों के साथ भेदभाव करते थे। लीलानी का कहना है कि प्रियंका अपनी डार्क स्किन टोन को फेयर करने के लिए एक खास स्किन टोन क्रीम यूज करती थी। लीलानी ने कहा कि उस समय ऐसा बताया गया था कि वो स्किन टोन को सही करने के लिए कोई स्किन टोन क्रीम भी लगा रही थी, जो बहुत बेकार थी। मैंने ये नहीं कहा कि वो ब्लीचिंग क्रीम थी या कोई स्किन टोन क्रीम थी, ऐसे करना उन पर काम नहीं कर रहा था। उनकी स्किन धब्बेदार थी, जिसके लिए वो सैरम को हटाना नहीं चाहती थी, इसलिए स्विम सूट राउंड में जजमेंट के समय वो लिटरली एक ड्रेस में थी। लीलानी ने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि प्रतियोगिता के दौरान कोई भी प्रियंका को पसंद नहीं करता था, किसी को भी वो अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि लीलानी के इन आरोपों को सोशल मीडिया यूजर्स का मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग लीलानी को फेवर कर रहे हैं तो कई लोगों का कहना है कि 22 साल हो गए हैं, आप लेट हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।